हमें क्या प्रणाम करना, और नदी का चश्मा लिया और नदी का। नमस्कार मित्रों, जय बागेश्वर धाम सरकार की। जी हाँ, बागेश्वर धाम सरकार ने दिव्य दरबार लगाने से पहले ही अपना दिव्य शक्तियों का चमत्कार दिखाया। बागेश्वर धाम सरकार ने अपने सेनापति भेजे और सभी की खबर लेके आई सेना, और बागेश्वर धाम सरकार लाखों पंडाल में महाराष्ट्र नागपुर की कथा में आप देख सकते हैं। बागेश्वर धाम सरकार ने छः छः हाथ और अपनी सेनाओं को आदेश दिया, जाओ सेनापति, सभी का आदेश लेकर आओ, सभी का संदेश लेकर आओ, क्या क्या प्रश्न लिखा है, क्या क्या क्वेश्चन लिखा है, क्या क्या विचार कर रहे हैं और क्या क्या परेशानी है। बागेश्वर धाम सरकार की पूरी जानकारी देखने से पहले आइए चरणों को स्पर्श करें, और चरणों को स्पर्श करके मस्तक में एक बार बोलें जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की, और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दें। आइए पूरी चर्चा के साथ आपको दिखाते चले बागेश्वर धाम सरकार की सभी जानकारी। जी हाँ, बागेश्वर धाम सरकार ने अपने सेनापति को भेजा, उसके बाद अपना कलम उठाया स्तुति करने के बाद, और कलम उठाकर अपने जो पेपर होता है श्री राम जो लिखा हुआ होता है उस पर लिखा श्री राम, और बालाजी के चरणों में रखा, उस पर लिख के क्या लिखा, बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे दादा गुरुजी, अब मेरी लाज आपके हाथ में है, मैं जिसका भी पर्चा बनाऊं, वो जो पर्सन लेकर आए, जो भी अपने समस्या लेकर आए, उन समस्याओं का समाधान होना चाहिए, मेरी लाज रख लेना। सभा बीच में आपका सेवक श्री पंडित धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी ने ऐसा लिखा और बालाजी को अर्पण कर दिया, बालाजी के पास में रख दिया वो पत्र। फिर उसके बाद 20 क्या मैं लाखों की संख्या में से उठाया, आप जिसको भी उठाओ मैं उसका पर्चा बना दूंगा और उसी का पर्चा निकलेगा। एक व्यक्ति को खड़ा करा, उसने दूसरे व्यक्ति को निकाला और बागेश्वर धाम सरकार के पास बुलाया गया। तो बागेश्वर धाम सरकार की दिव्य शक्तियों का आपको तो पता ही है, पहले ही सेनापति अपने दरबार में भेज देते हैं और सभी की समस्याओं का, सभी के प्रश्नों का उत्तर सेनापति ढूंढ के ले आते हैं, और फिर बागेश्वर बालाजी पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण पुजारी जी को उनको बता देते हैं जी ये समस्या लेकर आएंगे, अभी जो व्यक्ति उठेगा सबसे पहले वो ये नाम होगा, उसका पर्चा बनाए, समस्या ये होगी। और बागेश्वर धाम सरकार वैसे ही पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी बिना सोचे बिना विचारे और जो कुछ आता है उनको वो ही लिख देते हैं। जी हाँ, आपको बताते चले बागेश्वर धाम सरकार की छवि पहले ही देखते हैं, नहीं बागेश्वर धाम सरकार के जितने भी पागल होते हैं, जितने भी भक्त होते हैं, सभी उनकी मोहिनी मूर्त को देख कर यहाँ मोहित हो जाते हैं। वो तो ये भी सोचने में विमर्श हो जाते हैं कि हम प्रश्न के लेकर आए थे और क्या पूछना चाहते हैं। बागेश्वर धाम सरकार की पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी की छवि में एक ऐसा नूर सा बरसता है जिसमें बालाजी के साक्षात दर्शन होते हैं। आप देख सकते हैं छः हाथ बागेश्वर धाम बालाजी के, और आगे भी मुंह है, पीछे भी मुंह है। इस चित्र को मैंने ही डिजाइन किया है। बागेश्वर धाम सरकार साक्षात बालाजी के रूप हैं और बालाजी का अवतार माने जा रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को और सन्यासी बाबा के भक्त हो और दादा गुरु जी को मानते हो, बालाजी को मानते हो, सियापति रामचंद्र को मानते हो, पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी को अपना गुरु मानते हो, तो इस वीडियो को जरूर एक से लेकर 5 लोगों को इस शेयर करें, और बालाजी आपको आगे शेयर करेंगे। क्यों करेंगे, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो बालाजी आपकी चर्चा लाखों लोगों में करने लगेंगे और लाखों लोगों में आपकी गिनती होने लगेगी। जी हाँ, बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की जो चर्चाओं को फैलाते हैं और वायरल करते हैं, उनको भी बागेश्वर धाम बालाजी सरकार उनको तरक्की में, सेवरकत में, रोजगार में, सभी कार्यों में बालाजी आगे बढ़ाते हैं। तो आप बढ़ना चाहते हो, नहीं बढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो को अभी छोड़ो और दूसरी वीडियो पर देख लो, क्योंकि इस चैनल पर हमारे सनातन धर्म को जगाने की वीडियो मिलती है, बागेश्वर बालाजी सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी की कथाओं की जानकारी मिलती है, दिव्य दरबार की जानकारी मिलती है, उनकी शक्तियों की जानकारी मिलती है, उनकी सभी कहां पर हैं, किस टाइम है, कहां गए हैं, क्या खाया, ये सब जानकारी हमारी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर जरूर करना ऐसी वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो में अगर कोई टूटी हो रही हो तो क्षमा चाहते हैं हाथ जोड़ के, जैसे बागेश्वर धाम सरकार आपसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहते हैं, वैसे हम आपसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं और आशा करते हैं आपके ऊपर बालाजी की कृपा हमेशा बनी रहे। बालाजी से ऐसी प्रार्थना करेंगे, ये देख सकते हैं बालाजी के बागेश्वर धाम सरकार मूर्ति को
माला पहनाने के लिए तैयार हैं, और आप भी मन में विचार करें और बालाजी का ध्यान धरें। ओम बागेश्वराय बालाजी, ओम सन्यासी बाबा का जाप करें और बालाजी का ध्यान धरते धरते अपने हाथों में, आपके हाथों में पुष्प की माला है, और आप बागेश्वर बालाजी को या बाके बिहारी लाल को, जो भी आपके इष्ट हैं उनको पहना रहे हो, ऐसा आप अंतर ध्यान करें। बागेश्वर बालाजी या राधा रानी या कृष्ण भगवान या शंकर भगवान, जो भी आपके इष्ट हैं वो आपकी इच्छा सभी पूरी करेंगे, ऐसा मेरा अनुभव कहता है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, एक बार जय श्री राम जरूर लिख दें। जय बागेश्वर धाम सरकार की, जय सन्यासी बाबा की, बाय बाय, टाटा, सी यू।